Hey guys, welcome to my first vlog ever. ये मेरा पहला vlog है मेरे channel पे and ये vlog है दशहरा vlog. दशहरा vlog में we'll enjoy a lot. आज कल को है दशहरा, आज दशहरा नहीं है, so कल को दशहरा है and for that मैं रावण बनाऊँगी एंड उसके साथ मैं मेघनाथ और कुंभकर्ण भी बनाऊंगी. कुछ ईयर्स में मैं सिर्फ और सिर्फ रावण बना रही थी, बट नाउ मैं तीनों बनाऊंगी बिकॉज रामलीला आजकल नहीं होगी बिकॉज ऑफ COVID-19. ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ रावण मैं और मेघनाथ और कुंभकर्ण मैं तीनों घर पे बनाऊं एंड आपके साथ शेयर करूं मैं कैसे बनाऊंगी ये सारी चीज़ें. सो यस मैं ये जो रावण वगैरह बनाऊंगी मैं ये कप से बनाऊंगी, ये वाले चाय वाले कप हॉट वगैरह जो भी है, तो मैं इनसे ये कप्स बनाऊँ, ये रावण और वगैरह वगैरह बनाऊँगी एंड आपको ये भी शेयर करूँगी कि हमारे घर में दशहरा कैसे बनता है एंड हमारे घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं दशहरा पे. और मैं आपको दहन भी दिखाऊँगी, रावण का दहन कैसे होता है, मतलब करेंगे हम, तो स्टे ट्यून्ड. अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं रावण कैसे बना रही हूँ. तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 चाय के ग्लासेस और इसको मैं ऐसे ऊपर नीचे स्टैक करके रखूँगी. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बना रही हूँ रावण, इसको मैं टेप के थ्रू चिपका लूँगी इस तरह से. आप इसको ग्लू गन या फिर फेविकॉल के थ्रू भी चिपका सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे टेप यूज़ की है क्योंकि काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा और तो मैंने ये यूज़ किया है. और अब मैं ऐसे ही बाकी के 2 कटआउट्स बिल्डिंग्स बना लूँगी. तो मैंने ये बना ली हैं और यहाँ पे मैंने फेविकॉल लिया है एक कंटेनर में, उसमें वाटर ऐड करके मैं उसका एक पेस्ट बना लूँगी इस तरह से. तो ऐसे मैंने इसका पेस्ट बना लिया है. अब मैंने ये लिया है टिश्यू पेपर या फिर नैपकिन कुछ भी बोल सकते हैं. इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं. यहाँ पे पहले हम इस पे छोटे छोटे टुकड़ों की कोटिंग करेंगे, फिर हम इसके ऊपर बड़े बड़े टुकड़ों की कोटिंग करेंगे. तो इस तरह से मैंने ये इसके ऊपर चिपका दिए हैं. तो इस तरह से फिर मैंने बड़े बड़े पीसेस यूज़ किए हैं. तो ये इजी हो जाता है कि पहले छोटे पीसेस से उसकी कोटिंग करके फिर बड़े पीसेस की कोटिंग करके, तो वो थोड़ा अच्छे से बनता है, उसकी जो कवरिंग होती है वो अच्छे से होती है. यहाँ पे मैंने एक नैपकिन की बॉल बना के यहाँ पे उसका हेड बना रखा है और एक बड़े से टिश्यू पेपर से उसको कवर कर दिया है, जिससे उसका जो जोड़ है जो मैंने वो बॉल ग्लास के ऊपर रखी है उसका जोड़ है वो छुप जाए. तो मैंने ऐसे सोच के इसमें किया है. तो ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी है. इसमें मैं 2 टिश्यू पेपर और लगाऊंगी एंड ये हमारा बिल्कुल रेडी है. अब मैं करूंगी इस पर पेंट. रेड पेंट मैंने किया है इसकी बॉडी के लिए और इसके फेस के लिए मैं यूज़ करूंगी ऑरेंज पेंट इसलिए क्योंकि मेरे पास स्किन पेंट नहीं था, तो मेरे पास वाइट पेंट भी नहीं था कि मैं उसे स्किन कलर का बना लेती, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज पेंट ही यूज़ किया है. तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही बाकी के 2 पुतले भी रेडी कर लिए हैं. अब मैंने यहाँ पे लिया है ब्लैक पेंट और ब्लैक पेंट से मैंने उसका सर कलर किया है, उसके बाल कलर किए हैं. तो इस तरह से मैंने ये कलर किया है. तो ये थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाता है कि हाँ उसके बाल भी हैं. या फिर आप इसमें रियल वाले, मतलब कि आप वूल ऊन भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मेरे से गलती से ऐसे पता नहीं ब्लैक पेंट से लाइन बन गई एंड मुझे उसे एज उसकी आइज़ वैसी ही बनानी पड़ी. अब मैंने रावण की आइज़ बनाई हैं, उसकी नोज़ एंड उसका माउथ मैंने यहाँ पे बना दिया है एंड अब मैं उसका छोटा सा तिलक टाइप बना रही हूँ
जिससे वो लगे कि यू नो पुराना सा है। मैंने यहाँ पे उसके साइड में हैंड्स बना दिए हैं एंड बीच में बटन्स टाइप बना दिए हैं। तो ये हो गया है हमारा रावण रेडी। ऐसे ही मैंने कुंभकर्ण और मेघनाथ भी रेडी कर लिए हैं इस तरह से। तो अब ये है मेघनाथ और इसमें बिल्कुल अच्छे से नहीं बन पाया ये वाला, क्योंकि इसके मुंह पे बन गया था एक गंदा सा स्पॉट और इसी वजह से ये चीज़ नहीं हो पाई। तो अब ये है फाइनल प्रोडक्ट। तो मेरा रावण तो बन ही गया पूरे एक घंटे की मेहनत में। तो आपने तो देखा ही है कैसे बनाया है, मैंने तो आप भी बना के देखना और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे को कमेंट में बताना। तो गाइज अब मिलते हैं कल को, बाय बाय टिल देन। GM everybody, good morning. आज है day 2 जिसमें मैं हो गई हूँ ready and अब हो रहा होने वाला है दशहरा पूजन। तो दशहरा पूजन होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ हमारे घर में दशहरा पूजन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं हमारे घर में दशहरा पूजन कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने गन्ना, रही और थोड़ा सा गोबर और थोड़ा सा जल रखा हुआ है और यहाँ पे तराजू लिया है। हम इन सबको पूछते हैं तो, और ये खील रखी है। यहाँ पे हमने सारा अच्छे से लगा रखा है एंड छींटे हम लगाते हैं। यहाँ पे हम अपनी शॉप की नोटबुक्स पे बुक्स पे ऐसे लिख देते हैं और हम ऐसे इसको सजाते हैं एंड ये है पूरा ओवरलुक। ये थोड़ा हम खाना भी प्रसाद में लगाते हैं एंड ये है वो जो हम जो उगाते हैं माता रानी के आगे, और थोड़ी सी रोली और चावल, और मैंने अपने भाइयों का ऐसे तिलक किया था और कान में ये लगा दिया था। तो गाइज आज हुई एक बहुत अच्छी चीज, आज मम्मी ने बनाया पिज्जा एंड यम्मी पिज्जा। तो चलो आप भी देखो कैसा बनाया वो पिज्जा। ये है वो यम्मी टेस्टी और देसी पिज्जा जो मम्मी ने बनाया था, क्योंकि पिज्जा बिना चीज का हो या चीज का हो टेस्ट तो सिमिलर ही आता है, बट चीज का थोड़ा अनहेल्दी टाइप हो जाता है, बट बिना चीज़ का थोड़ा टेस्टी भी होता है एंड अनहेल्दी भी होता है। तो चलिए अब देखते हैं रावण का दहन।